Assalamualaikum everyone. My name is Reha. Welcome to my kitchen. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे. आज हम बनाने जा रहे हैं गजरेला. मुझे यकीन है ये डिश आपने पहले जरूर बनाई होगी, मगर आज हम बनाएंगे मेरे स्टाइल में, सिंपल, आसान, मजेदार और जायकेदार. चलें शुरू करते हैं. आपको चीजें बता देते हैं. 2 pound कैरेट है मेरे पास. गाजर इस तरीके से मैंने इसको कद्दूकस कर लिया था. यहाँ पे मेरे पास 1/2 cup राइस है, मैंने इनको 1 hour पहले सोक कर दिया था. 4 cup मेरे पास जो है वो मिल्क है, फ्रेश मिल्क है. ये मेरे पास जो है वो केवड़ा वाटर है. आपको अगर इसकी स्मेल अच्छी लगती है तो आप यूज़ करें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं. 1 tablespoon इलायची का पाउडर है. यहाँ पे 1/2 cup कंडेंस मिल्क है. ओके, यहाँ पे 1/2 cup मेरे पास पिस्तेशो हैं. ओके, यहाँ पे मेरे पास अखरोट है 1 cup. 1 cup मेरे पास बादाम है स्लाइस किए हुए. ग्रेटेड कोकोनट है 1 cup. 1 cup मेरे पास मावा पाउडर है. और मेरे पास 1 cup खोया है. ये इतना वाइट है इसमें नज़र नहीं आएगा कैमरे में. ठीक है, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं. अपना मिल्क डालते हैं इसके अंदर अपने पॉट में, और सिंपली हम इसको बॉईल कर लेंगे पहले मिल्क को. हमारा मिल्क जब तक बॉईल हो रहा है, हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये भिगे हुए राइस थे, हम इसको मैश कर लेंगे थोड़ा सा हम इसको ब्रेक कर लेंगे. अब देख लें इसकी इस तरीके से कंडीशन हो गई है राइस की. हमारा मिल्क यहाँ पे अच्छे से बॉईल हो रहा है, अच्छा गर्म हो गया है. इस टाइम पे हमने थोड़ा सा इसमें अपना इलायची पाउडर डालना है. अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं इसकी खुशबू तो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ये हमारा अच्छा मिल्क हो गया है. अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अपने राइस जो हमने ब्रेक किए थे, तो पानी हम थोड़ा निकाल लेते हैं. ओके, हमने यहाँ पे अपने राइस ब्रेक किए थे, वाइट है नज़र नहीं आएगा इतना, इसमें डाल देते हैं. किसी भी किस्म के राइस आप ले सकते हैं. तो राइस को अच्छे से पकाएंगे इसके साथ. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी कैरेट डाल देंगे. इसे साफ कर लेते हैं. कैरेट बहुत अच्छे से रेडी हो रही है, हम आपको दिखा देते हैं. देखें ये इतनी सॉफ्ट हो गई है, बहुत अच्छे से बन रही है हमारी कैरेट्स. और हमारे राइस भी, जो हमने 2 चीज़ें इसमें डाली थी, कैरेट और राइस, 2 चीज़ें. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ और चीज़ें इसमें शामिल करेंगे. कंडेंस मिल्क है मेरे पास 1/2 cup, वो मैं इसमें शामिल करती हूँ. और मैं शुगर नहीं डालूंगी, मैं सिर्फ कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ. ओके, ये स्वीट है मेरे पास. मैं इसलिए इसको यूज़ कर रही हूँ कि ये एक बहुत अच्छा सा क्रीमी फ्लेवर देगा इसको. आप अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप शुगर डालते हैं 1/2 cup. ठीक है, साफ कर लेते हैं अपने बॉल को. बॉल है यहाँ पर. ओके, इसको हमने स्वीट मिला दिया इसके साथ. हमारी काफ़ी कैरेट्स गल गई है और हमारे राइस भी बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं. हम अपने राइस चेक कर लेते हैं. हमारे राइस भी कुक हो गए हैं, हमारी कैरेट्स भी काफ़ी गल गई है. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले चूल्हा आहिस्ता कर देते हैं. हमारे पास यहाँ पे कप है एक, और ये मावा पाउडर है जो हमने लिया था.
हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा मिल्क डालेंगे इसके अंदर, इसको पेस्ट बना लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। अगर ऐसे ही ऐड करेंगे तो इसमें गिल्टियाँ बन जाएंगी। सही, बहुत ही क्रीमी सा होता है मावा पाउडर। कितना गाढ़ा हो गया इतनी जल्दी इसके डालते ही। एक कप हमारे पास खोया है, वो डाल देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे खोए के साथ। हमारे पास केवड़ा वाटर है, हम एक टेबल स्पून केवड़ा वाटर डाल देते हैं इसमें। इतनी खुशबू मुझे केवड़े की अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी। इसकी एक ट्रेडिशनल इसमें टच आता है केवड़े के अंदर। ओके, थोड़े थोड़े नट्स हम इसमें डाल देते हैं, बाद में फिर हम गार्निश के लिए रख लेंगे। थोड़े से थोड़े अंदर भी चले जाएं। ओके, फूट गए भी हमने पिस्ते डाले थे, अभी ये अखरोट हैं, बादाम हैं। ओके, ये ग्रेटेड कोकोनट है, थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं इस पैन पर। तो हम फ्रिज में रखेंगे, पहले इसको हम डिश आउट करेंगे, फिर इसको रूम टेम्परेचर पर रखे रहने देंगे, फिर हम इसको फ्रिज में रखेंगे, फिर हम इसको कल खाएंगे। कल सर्व करूँगी मैं इसको। ओके, अभी तो ये बहुत अच्छे से जब तक चिल नहीं हो जाए इसको मज़ा नहीं आता खाने में। हमारा गजरेला बनके रेडी हो गया है। मुझे उम्मीद है आप मेरी ये डिश ज़रूर ट्राई करेंगे। प्लीज़ मुझे बताएं आपको ये डिश कैसी लगी। आपके फीडबैक का, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अब चलती हूँ, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो एक और नई वीडियो के साथ, एक नई और आसान रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। खुश रहें, खुश रखें, अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। Thank you.